हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग रोज ही की तरफ मस्ती होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग। फ्रेंड, पूरा चैलेंज यूट्यूब पे पूरा चैलेंज है फ्रेंड कि ऐसा फ़ोटो एडिटिंग कोई नहीं बताया होगा। फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग अच्छा से अगर सीखेगा ना, अच्छा से मतलब ध्यान लगा कर, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ना। फ्रेंड, गारंटी में 100% कहते हैं कि आप लोग को पक्का समझ में आएगा, आप लोग पक्का ऐसा फ़ोटो एडिटिंग सीख जाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। फ्रेंड, ऐसा फ़ोटो एडिटिंग कोई नहीं बताता होगा फ्रेंड, पूरा 100% गारंटी देते हैं फ्रेंड। हेयर एडिटिंग या सब कुछ बताएंगे, हेयर एडिटिंग कैसे किया जाता है, हेयर कॉलर कैसे किया जाता है। देखिए, ये हेयर बड़ा हो गया ना, कॉलर भी कैसे किया जाता है फ्रेंड, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फ्रेंड, आइए हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ, तो देखिए फ्रेंड, ये रहा हमारा सिंपल फ़ोटो। और सबसे पहले क्या करना है, शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो फ्रेंड, देखिए ये मतलब लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चले आए हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से फ्रेंड इस पर क्लिक कर लेना है एडिट वाले ऑप्शन पे, और कलर पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। कलर पर क्लिक करके कलर मैक्स दिया होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और ये कलर है ना, ये कलर पर क्लिक करके फ्रेंड लेमिनेशन को 76+ और सेंटुलेशन को ज़्यादा नहीं, बस 17 ही माइनस करना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, उसके बाद से हम लोग को ये कलर पर क्लिक करना है, हारा वाले कलर पर, इसको 100+ और इसको 100+ कर देना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, फिर से हम लोग को ये कलर पर आना है, ठीक है फ्रेंड। और ये कलर पर आकर फिर इसको 100+, इसको भी 100+, इसको भी 100+, फिर इसके बगल वाले कलर पर आकर फ्रेंड इसको माइनस रखना है, यू को माइनस रखना है 40 माइनस 41 माइनस, ठीक है फ्रेंड। और लेमिनेशन को ज़्यादा नहीं, बस इसको 25 माइनस ही रखना है फ्रेंड। उसके बाद से फ़ोटो डन कर लेना है, और डन करने के बाद से इफेक्ट से क्लिक कर लेना है, और क्वालिटी को ज़्यादा नहीं, बस इसको 44+ करना है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, उसके बाद से ब्लेंड पे क्लिक करके और इसको माइनस ही करना है, माइनस ज़्यादा माइनस नहीं करना है, 38 माइनस। फ्रेंड देखिएगा लो, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ तो फ्रेंड देखिए, ज़्यादा हमारा फोटो फट रहा था ना, इसलिए सबसे पहले हम रेमनी मार लिए हैं, ठीक है फ्रेंड। आपको पहले बताया नहीं, सॉरी इसके लिए फ्रेंड। उसके बाद से हम लोग को शेयर कर लेना है, हाँ, स्केचबुक एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर। और फेस स्मूथ करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड, कैसे फेस स्मूथ किया जाता है हाई क्वालिटी में, HD हाई क्वालिटी फ्रेंड। उसके बाद से देखिए, ये बोरस का ऑप्शन दे रहा होगा फ्रेंड, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड, बोरस का ऑप्शन दे रहा होगा। और देखिए, इससे हम फेस स्मूथ करते हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा लो, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा लो। ये साइज है तो इसको कितना भी रख सकते हैं, आप लोग का मर्जी है फ्रेंड। देखिए फेस स्मूथ कितना अच्छा तरीके से हो रहा है ना फ्रेंड, हम इसी से हम फेस स्मूथ करते हैं फ्रेंड, ठीक है। मैं आप लोग का रियल एडिटिंग बताऊंगा, कैसे रियल, एकदम रियल एडिटिंग, बिल्कुल भी हल्का भी फेक एडिटिंग नहीं, ठीक है फ्रेंड, हल्का भी फेक एडिटिंग नहीं बताते हैं आप फ्रेंड। फ्रेंड, नॉइज जाता होगा हल्का हल्का, तो इस पर गौर मत करिएगा लो, आप लोग बस मेरे बात पे गौर करिए और कैसे सीखिए अच्छा से, वीडियो को स्किप करके मत देखिए फ्रेंड। तब तक के लिए हम फेस स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फास्ट कर लेते हैं वीडियो को। हाँ तो फ्रेंड देखिए, हम फेस को स्मूथ कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, उसके बाद से ज़्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे 3 डॉट है ना, इस पर क्लिक कर लेना है, और शेयर का ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, शेयर पर क्लिक कर लेना है, और शेयर पर क्लिक करके सेव डिवाइस कर लेना है, सेव टू डिवाइस।
हाँ तो फ्रेंड उसके बाद से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चले आना है और शेयर नहीं करना, बस अपने आप ही लाइट रूम ने अपडेट किया है ना तो लाइट रूम में अपने आप ही चले आता है। ठीक है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड देखिए हम फिर से लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चले हैं और इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक फ्रेंड, एडिट के ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है और कलर का ऑप्शन दे रहा है ना, फिर से इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, और फिर से मैक्स पर कलर मैक्स पर आ जाना है और कलर मैक्स पर आकर लेमिनेशन को फिर से 48+ और इसको 38-। फ्रेंड उसके बाद से फिर से ये कलर पर, हरा वाले पर कलर पर आकर इसको 100 कर लेना है। ठीक है फ्रेंड उसके बाद से फिर से हम लोग को ये कलर का ऑप्शन दे रहा है ना पीला, इस पर क्लिक करके इसको 100- ही रखना है। ठीक है फ्रेंड, दिखेगा लो, डन कर लेना है फोटो को फिर से बिफोर एंड आफ्टर, दिखेगा लो। अच्छा से देखिए ये आप फेस स्मूथ किए थे फ्रेंड। ठीक है, तो जब लाइट रूम एप्लीकेशन में आते हैं ना तो फिर से फोटो हल्का हल्का फटने लगता है, तो फिर से फ्रेंड हाँ तो फिर से फ्रेंड शेयर का ऑप्शन दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके फ्रेंड और फिर से हम लोग को फिर से फ्रेंड शेयर कर लेना है हम लोग को स्केट्स बुक एप्लीकेशन के अंदर। देखिएगा लो अच्छा से ये फेस स्मूथ फिर से वही ब्रश को अप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा लो ऐसे अप्लाई कर लेना है, अच्छा से अप्लाई करना है फिर से फ्रेंड। देखिएगा लो फिर से स्मूथ हो रहा है ना फ्रेंड, कितना अच्छा से हो रहा है फ्रेंड। ऐसे ही आप लोग को अच्छा से करना है तभी आप लोग का फेस स्मूथ होगा अच्छा से। ठीक है फ्रेंड उसके बाद से हम लिपस्टिक लगा लेते हैं फ्रेंड। ये लेयर है ना फ्रेंड, देखिएगा लो अच्छा से फ्रेंड, देखिए ये लेयर है फ्रेंड, इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करके एक लेयर बना लेना है। ठीक है फ्रेंड, लेयर बना कर उसके बाद नॉर्मल है तो इसको सॉफ्ट लाइट कर लेना है और उसके बाद से कलर ले लेना है फ्रेंड, देखिए और उसके बाद से रेड कर लेना है फ्रेंड। लेयर बना कर ये कलर पर क्लिक करके और ये कलर है ना बीच वाले, हाँ फ्रेंड देखिए ये कलर है, इस पर क्लिक कर लेना है फ्रेंड और लिपस्टिक लगा लेना है, अच्छा से लगाना है। ठीक है फ्रेंड, हमारा तो लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा पतला करने वाले थे, मोट हो गया। ठीक है फ्रेंड, पतला करके अच्छा से कर लेना है आप लोग को लिपस्टिक और उसके बाद हम बताने वाले थे हेयर कैसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हेयर को तो इसको फ्रेंड इस पर क्लिक करके और ये बुरुश है ना फ्रेंड, इस पर क्लिक कर लेना है, देखिए यही सेटिंग है बुरुश वाला। ठीक है फ्रेंड, आप लोग अच्छा से देख लीजिए और हेयर को हम ऐसे ही बना लेना है, ये सॉफ्ट लाइट वाले पर क्लिक करके और इसको हटा लेना है, ये पिक पिक है ना फ्रेंड, इस पर लिया लेना है और उसके बाद से हम लोग को फेस मतलब हेयर करना है। ठीक है फ्रेंड, हेयर पर अप्लाई करना है, ऐसे नीचे से आना है ऊपर फ्रेंड, ऐसे नीचे से ऊपर आना है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा से करना है आप लोग को तभी होगा आप लोग का। देखिए फ्रेंड हेयर कितना मस्त तरीके से हो गया है फ्रेंड, देखिएगा लो आप ही लोग अच्छा से देखिएगा लो और कलर कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, फिर से ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके फिर से ब्रश है ना फ्रेंड, इस पर आ जाना है और यहाँ से ऐसे कलर कर लेना है और फिर से जो आपका कलर अच्छा लगे वो चूज कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड अप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा से और फिर से यही ब्रश लेना है। ठीक है फ्रेंड, जो अप्लाई किए थे यही ब्रश को लेकर फिर से हम लोग को फिर से इस पर मारना है अच्छा से। फ्रेंड आप लोग को वीडियो पसंद आया, आप वीडियो के अंदर आप लोग कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं किसी एडिटिंग वाले एडिटिंग क्रिएटर वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।